सर, ये एक आध्यात्मिक एक जो शब्द है, ये आध्यात्मिक क्या है? अध्यात्म धर्म संस्कृति संस्कार मनुष्य के जीवन की एक कला है, जिससे कि हमारे सारे संताप मिट जाते हैं, चित्त शांत होता है, सारे भ्रम और भ्रम का भंजन होता है, तथा मनुष्य को सद्मार्ग पर चलने की जो है एक प्रेरणा मिलती है। सर, ये आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? आध्यात्मिक आप कार्य करेंगे और मैंने देखा है कि आपके कई लाख से ऊपर आपके फॉलोअर हैं। ये पारिवारिक विरासत संस्कार में जो है ये प्रदत्त होती हैं। जैसा आपका जो है संस्कार डेवलप होगा आपके बचपन से, वैसे ही आपके जो है जीवन में जो है ये सारे सत्यता और सारे सद्गुण जो है वो पनपते हैं, जिससे कि आदमी जो है उसके तरफ प्रेरित होता है और इस तरफ अपने सत्य कर्म की तरफ अपना कार्य करता है, निष्पादन करता है। सर, एक ये मूर्ति पूजा है और एक तरफ आध्यात्मिक है, तो इसमें सर कहाँ का आप अंतर समझते हैं और कैसा अंतर है इसमें? मूर्ति पूजा वाकई में एकमात्र जो है हमारे मन को शांत करने के लिए एक प्रतीक है। यह अध्यात्म का एक बहुत ही छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप उसको कह सकते हैं। हमारे मन को शांत होने के लिए, चित्त को शांत होने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए, चाहे वह हम वन उपवन से प्राप्त करें, चाहे मंदिर मस्जिद जाकर के प्राप्त करें, चाहे हम जो है किसी पहाड़ और गुफाओं में जाकर के जो है अपने मन को शांत करें, यह एक माध्यम होते हैं। केवल हम एक मूर्ति को ही प्रतीक लेकर के जो है मन को शांत नहीं कर सकते हैं। हमारे आंतरिक जब तक हमारी शांति नहीं होती है, तब तक हम जो है मूर्ति पूजा हमारे लिए कोई माने नहीं रखता है। यह वह एक माध्यम बन सकता है, उसके लिए वातावरण का होना, चित्त को शांत होना ये बहुत ही जरूरी होता है। सर, एक विश्व शांति की बात करते हैं, तो विश्व शांति के लिए हमें ऐसा कौन सा एक कदम उठाना होगा कि हम विश्व शांति को एक आधार रूप बना लें? आज हर मनुष्य जो है नफरत और द्वेष से भरा हुआ है, हर एक दूसरे को जो है पीछे छोड़ रहा है और उसको शॉर्टकट में बहुत ही अल्प समय में जो है उसको धन की वृत्ति जो है सर्वोपर उसकी प्राथमिकता हो गई है। जब तक ये धन की वृत्ति सर्वोपर से वो उसका मोह नहीं भंग होगा, तब तक हमारे अंदर जो है शांति स्थापित नहीं हो सकती है, क्योंकि शांति स्थापित के लिए हमको स्वशांति से ही हम जो है शांति के मार्ग पर जा सकते हैं। स्वशांति से ही हमारा राष्ट्र शांत हो सकता है और राष्ट्र शांत से होने से ही हम विश्व में शांति स्थापित ला सकते हैं। केवल हम जो है ये आयुध या हथियारों के जमावड़े से हम जो है शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। प्रेम, करुणा, स्नेह, सद्भावना ही एक ऐसे हैं जिसके द्वारा हम अपने सद्मार्ग पर जा सकते हैं। हमारा धर्म जो है प्रेम का धर्म होना चाहिए, हमारा धर्म जो है करुणा का होना चाहिए, हमारा धर्म जो है परोपकार का होना चाहिए, तभी हमारे अंदर जो है शांति स्थापित हो सकती है, हमारा चित्त शांत हो सकता है और जब मन प्रसन्न होगा तभी हम जो है हम अपने देश को प्रसन्न चित्त कर सकते हैं और पूरे विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करते हुए पूरे हम विश्व का शांति का पैगाम दे सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ये खडविकार भरे हुए हैं, जब तक हम इसको त्याग नहीं करेंगे, मोह का त्याग नहीं करेंगे, मद को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हमारे अंदर लोलुपता नहीं जब तक जो है हमसे छूटेगी, तब तक हम इस तमाम झंझावातों से जो है घिरे रहेंगे और हम कुछ भी जो है अपने समाज को नहीं दे पाएंगे। ऐसा हमारे धर्म में यह इसकी मान्यता नहीं है। धर्म बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सद्मार्ग के तरफ प्रेरित करता है। कुछ विकृत के लोग जो है हर समाज में रहे हैं, आदिकाल से चला है। जहाँ राम रहे हैं वहीं रावण का जो है जन्म हुआ है, जहाँ कंस कृष्ण रहे हैं वहीं पर कंस का जन्म हुआ है। तो ये समाज की विकृतियाँ हैं, वो आदिकाल से हुई हैं और होती रहेंगी, लेकिन हम लोगों को अपने धर्म पर जो है टिके रहना है। और एक दो हमारे समुद्र में अगर एक दो बूंद जो है अगर गंदी हैं तो उसको
ध्यान नहीं देना है। हमारा यह सनातन धर्म बहुत ही जो है स्वच्छ और सुंदर धर्म है, इसके तरफ प्रेरित हों। और एक कई जैसा आपने नाम अभी बताया है, ऐसे बहुत से जो है हमारे चंड मुंड जैसे लोग हमारे जहाँ देवी देवता रहते हैं वहाँ भी वो प्रकट हो जाते हैं, उस पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, हर विधा में, हर कार्यों में जो है लोग इस टाइप के जो है विसंगतियाँ हैं, उसको हमको ध्यान न दे करके अपने जो हमारा सदमार्ग है उस पर चलना चाहिए। एक हमारा लोकोपचार है, एक हमारी जो आप पुराणों की जो है उसमें होलिका का जो है हमारा मेन चीज़ है कि जहाँ पर जो है असमानता को मिटाने का, हमारे समाज में हर वर्ग के लोग हैं, एक दूसरे से मिलजुल करके प्रेम चारा सौहार्द का पैगाम देने के लिए यह सब आयोजन प्रयोजन जो है हमारे तीज त्यौहार बनाए गए हैं। उसमें लोग एकजुट होते हैं, अपना रंग बिरंगे तरीके से जो है अपने त्यौहारों को विभिन्न भाग से मनाते हैं, विविधता में एकता का ये सब त्यौहार होते हैं जो है। उसमें भी एक राक्षसी जो कि प्रहलाद सत्य पर थे, उनको परीक्षा लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने जो है बैठाया, वह एक प्रतीक के रूप में जो है राक्षसी का वध जो है, जहाँ पर असत्य का सत्य के विजय के लिए जो है ये सब हमारी लोकोपचार या धर्मोपचार के द्वारा जो है यह संदेश देने का एक बहुत बड़ा हमारे तीर्थ त्यौहार जो है प्रतीक माने गए हैं। प्रदूषण तो स्वाभाविक है, लेकिन एक प्रदूषण उसे खत्म ही होता है, उसका जो मूल ध्येय है, आपने देखा होगा कि घर की गंदगी इसी बहाने सफाई होती हैं, लोग उपटन वगैरह लगा करके जो है होलिका में जलाते हैं, घर के जो है खरपतवार को ले जा करके वहाँ पर जो है जलाते हैं, तो उसका एक जो उद्देश्य है वो ये है। उसमें कुछ लोग अपने जोश में होश खो बैठते हैं और वो अपना जो है तरह तरह के हुड़दंगई करते हैं, उस पर भी कुछ रोक लग रहा है, सरकारें या समाज उसको रोक लगा रही हैं। वो ऐसी हुड़दंगई को जो है समाज जो स्वीकार नहीं करता है, उस पर प्रतिबंध अवश्य होना चाहिए। यह बहुत ही पवित्र और भाईचारा का त्यौहार है, सौहार्दता का त्यौहार है, एक दूसरे से गले मिलने का त्यौहार है और लोगों में आपस में नफरत भुलाने का त्यौहार है। सर, आप जनता से अपील क्या करना चाहते हैं कि विश्व शांति के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? विश्व शांति के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को अंदर जो है जो काम क्रोध लोभ मद मोह खटविकार हैं उसको त्यागना पड़ेगा। जो है हमारे धर्म जो है धृति क्षमा दमोस्ते यम शौचमिंद्री निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, तो अपने जो है ये जो सत्य हैं, हम जो है अधिक धन का संचय न करें, हमारे अंदर प्रेम का रस वर्षा हो, हम समाज में प्रेम सौहार्दता जो है दें, ये सबसे बड़ा हमारा पैगाम होगा, संदेश होगा कि मेरा जो धर्म है वो प्रेम का धर्म है और मानव का धर्म है, सब मानव जो है एक हैं, किसी में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह पैगाम हमारे पूरे समाज में और पूरे राष्ट्र में जाना चाहिए, तभी हम जो है शांति स्थापित कर सकते हैं और विश्व शांति के क्षेत्र में धर्मगुरु बन सकते हैं।